अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम मालम जबा की रवानगी से, क्योंकि वहाँ बुर्ज अल सवाद से हमने चेकआउट करने के बाद पीसी जाने का इरादा किया था, तो बस हम पीसी की तरफ रवाना हैं बुर्ज अल सवाद से के रिसेप्शन पे। हमने अच्छी खासी फ़ोटो सेशन की है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने स्टे किया है, थोड़ी देर रुक के चाय पीने का इरादा था, और ऐसे मनाजिर पे चाय और पकोड़े तो मस्ट हो जाते हैं। बच्चों ने यहाँ पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई की। अच्छा, यहाँ पे ज़रा आप मौसम चेक करें, हमारा जो टूर था ना वो बस उसका जो हक था ना मौसम ने अदा कर दिया। यहाँ पे तो वॉइस ओवर करने का भी मूड नहीं था, मैं चाह रही थी कि आप लोग इस मौसम को एंजॉय करें। और यहाँ पे हम बस आलमोस्ट मालम जबा पहुँच चुके हैं, पीसी के बिल्कुल करीब पहुँच के ना वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम कमाल का बन गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम होटल पहुँच चुके हैं और शाम का टाइम था तो वहाँ पे हाई टी चल रही थी, तो बस हमने भी नाश्ता ही किया था, तो इरादा था हमारा कि डिनर जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे बुफे सिस्टम था और जैसे ही एंटर हुए और बड़ा ज़बरदस्त माहौल वहाँ पे, उनका जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है ना, रबाब इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं आई थिंक, वो वहाँ पर बजाया जा रहा था और बहुत अच्छा। एक तो मौसम इतना ज़बरदस्त था और अंदर व्यू भी बहुत ज़बरदस्त। मैं पीसी भूर बन गई हूँ लेकिन मालम जबा में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर लाइव साथ में कमेंट किया जाए ना तो वो बहुत इजी है, पर वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल काम है। जुमलों को साथ लेके चलना, उस वक्त को दोबारा रिवाइज करना, और जो हमारे साथ हमारी एडिटिंग में हेल्प कर रहे हैं उन बेचारों को बार बार तंग करना। अच्छा, यहाँ पे अब मैं फ्री हो चुकी थी, हमने मील अपना सारा फिनिश कर लिया था और बाहर का व्यू चेक करने लगे थे हम विंडो से। बच्चे अब अपना मसरूफ़ थे खेलने में,
और मैं दिल ही दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी। चलें जी मेरे साथ, मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ और यहाँ पे होटल का बाहर वाला व्यू आपको चेक कराती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चे मेरे प्ले एरिया में थे और ये इधर बैठी है मेरी बेटी, और साइड पे ही बेटा मेरा टेनिस खेल रहा था। और मैं उनको बता के जा रही थी कि मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने सोचा कि फ़ोटो सेशन हो जाए, क्योंकि हमारे जो टूर की यादें हैं वो इन पिक्चर्स में ही होती हैं। वो जो मूवमेंट है ना, वो कुछ अरसे बाद हमारे जहन से निकल जाते हैं, पर ये जो पिक्स हैं ना, ये हमेशा याद रहती हैं। और जब भी पिक्चर देखो, अच्छा ये जब मैं व्लॉग एडिट करने लगी हूँ ना, तो सारी पिक्चर्स को जब देखा और वीडियोस को देखा, तो ऐसे लगा कि दोबारा मैं एक टूर वहाँ से करके आई हूँ और दोबारा सारी मेमोरीज जो है ना वो रिकॉल हो गई। तो बस यही है कि ये जो मेमोरीज हैं ये हमारे पास सेव हो जाती हैं। सनसेट को इतने क्लोज से और इतनी ऊंचाई पे आके देखने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। वैसे मैंने सुना था कि सनराइज और सनसेट का जो व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। पर यहाँ पे सूरज ग़ुरूब होता हुआ मंज़र जो था ना, वो बहुत अच्छा था। और साथ में सर्दी हवा में खुनकी, और बच्चों को यहाँ पे सर्दी लग गई और वो अपनी जैकेट्स लेने गए थे गाड़ी से। स्क्रीन पे जो मोमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये होटल को चेकआउट करने के मोमेंट्स थे। और यहाँ पे जाते टाइम हम अपने साथ बहुत सारी अच्छी यानी मेमोरीज़ लेके जा रहे थे, ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करने की मेमोरीज़। और अच्छा, सब चीज़ अच्छी थी और बहुत एंजॉय किया हमने। और मेरा पर्सनल इरादा था कि मज़ीद यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि 3 से 4 घंटे का सफ़र है यहाँ से कलाम का, तो हमें जल्दी रवाना होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगले व्लॉग में मिलूँगी, और अगला दिन और अगली जगह आपके साथ और न्यू एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड सॉरी फॉर लो एनर्जी लेवल, क्योंकि ये जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ये आलमोस्ट रात के कोई 3 बज रहे हैं, बच्चे सोए हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं आहिस्ता बोलती भी महसूस होंगी, और सॉरी। चलें जी, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।